दौसा जिला। यह जिला भारत देश के राजस्थान राज्य में स्थित राजस्थान के कुल 33 जिलों में से एक दौसा जिला के नाम से जाना जाता है। दौसा जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस दौसा शहर में मौजूद है और दौसा जिला जयपुर मंडल के अंतर्गत आता है। दौसा जिला राजस्थान के पूर्व भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से मिलती है। दौसा जिला के पड़ोसी जिला के बारे में हम आपको बताएं, इससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि दौसा जिला के कुल 5 पड़ोसी जिला हैं, जिनके नाम है जयपुर जिला, अलवर जिला, भरतपुर जिला, करौली जिला और सवाई माधोपुर जिला। दौसा जिला में 5 तहसील, 1 डिग्री कॉलेज, 53 होटल, 20 मेडिकल कॉलेज, 10 सरकारी अस्पताल, 1 लोकसभा, 5 विधानसभा, 226 ग्राम पंचायतें और 1114 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान राज्य में स्थित दौसा जिले का कुल क्षेत्रफल 3432 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार दौसा जिला की कुल आबादी 16,34,000 है। इस 16,34,000 में पुरुषों की कुल आबादी 8,57,000 और महिला की कुल आबादी 7,77,000 है। दौसा जिले का औसत लिंगानुपात 905 के करीब है, यानी कि दौसा जिला में 1,000 पुरुष पर 905 महिला हैं। दौसा जिला के मुख्य नदी का नाम बाणगंगा नदी है। बाणगंगा नदी के किनारे पर बसा यह जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 62 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 267 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 11 और नेशनल हाईवे संख्या 18 गुजरती है, जो कि आगे चलकर राजस्थान के बड़े बड़े और भी जिलों के साथ जुड़ती है। यह जिला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो दौसा जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम दौसा रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 2 प्लेटफॉर्म तथा 4 पटरे शामिल है और इसका स्टेशन कोड DO है। और यह रेलवे स्टेशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के जयपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। पर्यटन स्थल की बात करें तो दौसा जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। इस जिले में कई ऐसे घूमने के स्थान हैं जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। दौसा जिला के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के नाम है अवनेरी, कलासा, बंदीकुई, बालाजी मंदिर, झांझीरामपुरा और नीलकंठ मंदिर। इसके अलावा कई और भी हिस्टोरिकल पैलेस मौजूद हैं। शिक्षा की बात करें तो दौसा जिले की साक्षरता दर 68% है, यानी कि दौसा जिला में 68% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। दौसा जिला के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम है अपेक्स कॉलेज, राजस्थान बीएड कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, मास्कोट कॉलेज, विनायक विद्या मंदिर, श्री बालाजी टेक्निकल कॉलेज। ये सभी इसी जिला में मौजूद हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। अस्पताल की बात करें तो दौसा जिला के मुख्य अस्पतालों में शुमार श्री रामकरण जोशी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीना हॉस्पिटल, सुबी हॉस्पिटल, शिवम आई हॉस्पिटल, प्रकाश हॉस्पिटल, वरदान हॉस्पिटल आज मौजूद हैं। इसके अलावा कई और भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, जो कि लोगों को स्वस्थ रहने में अपना योगदान देते हैं। दोस्तों, राजस्थान राज्य में स्थित दौसा जिला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियोस पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।